बढ़ते हैं मौसम की खबरों की ओर। इस मॉनसून पूरे देश में भारी बारिश होने के कयास लगाए जा रहे हैं, जिससे किसानों को भी राहत मिलने की आशा है। और आइए अब बढ़ते हैं खेल की खबरों की ओर। भारत ने हॉकी के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। मौत से आज तक कोई नहीं बच पाया, पर ना आगे बच पाएगा। लेकिन मौत का समय तो टाला जा सकता है, पर ये तुम टाल सकते हो अभिजीत। कुछ अपनों की मौत का समय क्या रहा? ए, मैं जानता हूं तुमने आज तक बहुत बड़े बड़े इम्तिहान दिए हैं, लेकिन ये इम्तिहान तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। इसमें तुम पास होगे या फेल, ये इससे पता चलेगा कि एसीपी और दया बचते हैं या नहीं। कौन हो तुम? क्या है? मैं वो हूँ जो तुमको तुमसे भी बेहतर ढंग से जानता है। मेरा यकीन करो, कुछ बहुत बुरा होने वाला है, या फिर हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत ने भाग लेने का निर्णय लिया। जिसका खून हुआ है उसका नाम ऋषभ है और उसके भाई ने हमें फोन किया है, ऋषि ने, जो इस कंपनी का मालिक है। सर, खून ऋषभ का हुआ है और वही मालिक है सर। ओ हाँ यार, वो दिमाग थोड़ा क्या हुआ? तो ठीक है ना? अरे क्या बताऊं यार, आज ऐसा भद्दा मजाक किया मेरे साथ किसी ने। ये इम्तिहान तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। इसमें तुम पास होगे या फेल, ये इससे पता चलेगा कि एसीपी और दया बचते हैं या नहीं। सर, टीवी के अंदर कोई चेतावनी देके कैसे जा सकता है? सर, आजकल स्मार्ट टीवी बड़ी आसानी से हैक किए जाते हैं। उस हैकर के आईपी एड्रेस से हम उस तक पहुंच जाएंगे सर। ठीक है, एक बार ये केस सुलझा लें, फिर देखते हैं उसका क्या करना है। सीआईडी के दुश्मनों की कमी है क्या? चेहरा याद है ना उसका? नहीं, टीवी पे बहुत अंधेरा सा था उस समय और थोड़ी देर के लिए आया था वो। था तो कोई जाना पहचाना। ये क्या हो गया सर? देखिए ना, मार डाला मेरे भाई को किसी ने। संभालिए अपने आप को। सर, मैं ऋषभ सर की सेक्रेटरी हूँ, मिनी। कुछ देर पहले तक सब कुछ ठीक था, सर अपने कैबिन में काम कर रहे थे और हम में से किसी ने भी गोली चलने की आवाज नहीं सुनी। अच्छा, कैबिन किधर? इस हिसाब से चेहरे का चिथड़े उड़े हैं, ऐसा लगता है किसी हाई पावर गन से गोली चलाई गई है। गोली
गोली सर के पीछे मारी है, एग्जिट वुंड माथे पे। एंगल के हिसाब से ऐसा लगता है कि गोली या इस तरफ से चली है। सामने तो बिल्डिंग्स है और ये कांच, कांच टूटा भी नहीं। हाँ, जो सामने बिल्डिंगें हैं, इन्हीं में से किसी में होगा वो खूनी। खिड़की तो एकदम सही सलामत, गोली अंदर आई कहां से? सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से तो गोली लगने के बाद और ऋषि के कमरे में आने तक ना कोई कमरे से बाहर गया ना कोई अंदर आया। इससे एक बात एकदम साफ है, गोली बाहर से चली है, कमरे के अंदर से नहीं। अगर सर फिर बात वही आ जाती है ना, अगर गोली बाहर से चली तो ये कांच ही नहीं टूटा। राइफल की गोली थी, सब कुछ चकनाचूर करते हुए निकल जानी चाहिए थी। बात तो ठीक है, इसका जवाब तो शायद वहीं से मिलेगा जहां से गोली चली है, सामने वाली बिल्डिंग से। सर, सर वो छत पे तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे लगेगी गोली वहां से चली है, ना कोई केसिंग ना कोई निशान। सर पूरी बिल्डिंग एकदम सील पैक्ड, उनकी खुद की साइबर सिक्योरिटी कंपनी, कोई भी बिना वेरिफिकेशन के अंदर आ ही नहीं सकता। मतलब ये किसी अंदर वाले का काम है। पर सर कोई अंदर वाला इतनी बड़ी राइफल लेके ऑफिस प्रमाइसेस में कैसे घुसेगा? हर जगह कैमरास लगे हुए हैं। अगर सवाल अब भी वही है अभिजीत, ये गोली चाहे कहीं से भी किसी भी बिल्डिंग से चली हो, ये कांच टूटा क्यों नहीं? हाँ, ऐसी कौन सी गोली है जो कमरे के अंदर बैठे एक आदमी को आके लगती है पर कांच पे जरा सी भी खरोच नहीं? चेतावनी को तुमने गंभीरता से नहीं लिया अभिजीत। तुम अपना कीमती वक्त इस छोटे मोटे मर्डर केस में बर्बाद मत करो, हमारे दोस्तों को और इस शहर को तुम्हारी जरूरत है। क्यों पीछा कर रहे हो मेरा? इस शहर पे एक घातक हमला होने वाला है, रोक सकते हो तो रोक लो वरना इस हमले में तुम्हारी पूरी CID टीम मारी जाएगी। आप बकवास कर रहे हो, बचा सकते हो तो बचा लो अपनी टीम को वरना किस किस की चीता जलाते रहोगे। इधर अचानक से आया और अचानक से गायब भी हो गया और किसी ने उसे देखा तक नहीं। तो मैंने वॉचमैन को पूछा था, उसने बोला कि उस समय ना कोई आदमी बिल्डिंग के अंदर आया है और ना कोई बाहर गया है।
तुम्हारे बिल्डिंग के वॉचमैन ने उसे देखा नहीं गेट से अंदर आते हुए, तो फिर अंदर कैसे आया होगा सर? वही तो, अब देखो टीवी के अंदर लिफ्ट के बाहर था, पता नहीं कल उठ के तुम्हारे घर में भी घुस जाएगा। ये सीरियस मामला है। उसका चेहरा तो देखा था ना इस बार ठीक से? यार वहां पे अंधेरा था इसलिए चेहरा ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन जाना पहचाना जरूर है। ऐसा लगता है कि पहले कभी मिला हूं मैं उससे। पर उसकी आवाज बिल्कुल मेरी तरह थी। हो सकता है अभिजीत कोई पुराना पापी हो जिसे तुमने किसी जुर्म में पकड़ा था पहले, और वो इसलिए ये अब मुझ पर नजर रख रहा है। पता नहीं अगला कदम क्या होगा उसका। ये शहर में कुछ करने की बात कर रहे थे ना कि सर, कहीं शहर में कुछ बड़ा तो नहीं करने वाले है? सर पूरे शहर में अलर्ट कर दे क्या न्यूज चैनल के जरिए? नहीं फ्रेडी, क्या हो सकता है, और फिर हमें ये भी पता नहीं कि वो जो बोला है वो सच है भी या नहीं। सर मैंने आपका टीवी चेक करवाया कंप्यूटर एक्सपर्ट से, लेकिन उसका कहना है कि किसी भी तरह की हैकिंग नहीं हुई। हैकिंग नहीं हुई तो फिर जो टीवी पे देखा मैंने वो सब क्या था? समझ में नहीं आ रहा सर, कैसे हो रहा है ये, क्या हो रहा मेरे साथ? देखते देखते अभिजीत पता लगा लेंगे बराबर। ACP प्रद्युमन? हाँ सर, जॉन हैरिस। ठीक है सर, जी आई प्रॉमिस यू सर, उनको कुछ नहीं होने देंगे हम। जी सर, थैंक यू सर। क्या बस? नेताजी का फोन था, नेताजी कह रहे थे कि जॉन हैरिस क्लेज कंपनी का मालिक शहर में आ रहा है किसी नए प्रोडक्ट के लॉन्च के लिए। उनको डर है कि उस पर जानलेवा हमला हो सकता है। एयरपोर्ट से लेके होटल तक उसके साथ कमांडोज रहेंगे, लेकिन उसके बाद में उसकी पूरी जिम्मेदारी सिक्योरिटी की हमारे ऊपर है। हो जाएगा सर। बस फिर नेताजी के ऑफिस से लेकर होटल तक पूरा रास्ता अच्छी तरह से चेक करो, देखो कहीं कोई पॉकेट से के जहां पर कुछ हो सकता है, पूरी सिक्योरिटी बढ़ा दो वहां पर। हाँ, लेकिन इस हैरिस की जान को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं। इस कागज से पता चल पाएगा कि मरने से पहले ऋषभ क्या कर रहा था? वही तो पता करने की कोशिश कर रहे ना पूर्वी। मगर इतना सारा खून है इसमें, कैसे पता चलेगा? इसे साफ कैसे कर पाएंगे? उर्वी बस 2 मिनट रुक जाओ, सब कुछ साफ पता चल जाएगा। हुआ ना साफ, दिख रहा है सब कुछ? दिख रहा है सर, लेकिन ये तो किसी कंपनी के बैलेंस शीट जैसा लग रहा है। मर्डर का सुराग इसमें मिल पाएगा? पूर्वी बच्चे, सुराग हर चीज में मिल सकता है, सिर्फ देखने वाले की नजर होनी चाहिए। सही कहा सर, मैं ये कागज किसी अकाउंटेंट को दिखाती हूँ। हाँ हेलो, क्या? अरे वो अच्छा ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूँ। या ओके, क्या हुआ? मेरे पड़ोसी का फोन था, वो कह रहा है कि उसे मेरे घर से गैस लीक होने की बदबू आ रही है। गैस खुली छोड़ दी तुमने? अरे जहाँ तक मुझे याद है मैंने तो बंद किया था, पता नहीं गलती से शायद ऑन रह गया होगा। ओके ठीक है, तुम्हारे घर चल के देखते हैं। नहीं तुम जाओ, वो रास्ता चेक करो, वो होटल से नेताजी के ऑफिस तक। मैं टैक्सी ले लूंगा। श्योर? हाँ हाँ श्योर, कुछ भी हो तो बताना। ठीक है।
ये क्या? कहा था ना तुमसे छोटे मोटे केसेस पे ब्लॉक पर बात मत करो, उस केस पे ध्यान दो जिससे तुम्हारी जिंदगी पलटने वाली है। क्या बकवास कर रहा है? क्यों पीछे पड़ा मेरे? अपनी सीआईडी टीम को बचाना चाहते हो या नहीं? तो रुक, रुक। सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत। ये देख मेरे दादाजी की फोटो, बिल्कुल ऐसे ही है। अभिजीत, इनकी तो डेथ हो गई है ना? 50 बार बोल चुका हूं दया, मैं अभिजीत का दादा नहीं, मैं खुद अभिजीत हूं। लोग समझ क्यों नहीं रहा? अच्छा, तू अभिजीत है तो मैं कौन? तुम भी अभिजीत हो और मैं भी अभिजीत हूं। बेरूपिये हो तुम, खेल खेल रहा है हमारे साथ। तो मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, मैंने कभी कभी आपके खिलाफ बोला नहीं, ना आज बोलूंगा सर। अभिजीत सर, मुझे तो चक्कर आ रहा है, मेरी कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, ये हो क्या रहा है? तेरी अपनी वाइफ को फोन करके आखिरी पैगाम दे दो, आज हम सब सीआईडी वालों का आखिरी दिन। ए, क्या बकवास है ये? है कौन तू? बार बार एक ही सवाल दोहरा के वक्त बर्बाद मत करो। कौन अभिजीत हूं मैं? तुम वर्तमान के अभिजीत हो और मैं भविष्य का। भविष्य के अभिजीत? क्या तारीख है? 2 जून 2018। और जानते हो जहां से मैं आया हूं वहां क्या तारीख है? 2 जून 2045। नशा करके आए हो? क्या बकवास है ये? तो मैं मानता हूं आपको मेरी बात यकीन नहीं आएगा। अपने पूरे करियर में आपने ऐसे किसी बात पर यकीन नहीं किया है, पर मैं विनती करता हूं सर, प्लीज सर मेरी बात पर यकीन कीजिए वरना अनर्थ हो जाएगा सर। भविष्य से आए तू? 2045 से? हाँ मैं, यानी कि तुम भविष्य से आए हो टाइम ट्रेवल करके। टाइम ट्रेवल? सर माना कि आज टाइम ट्रेवल करना मुमकिन नहीं है, पर भविष्य में इंसानों ने टाइम ट्रेवल करना सीख लिया सर। दादाजी, ये परियों की कहानी किसी और को सुनाना है। आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हम लोग, वरना मैं अपनी दोस्ती का लिहाज कर रहा हूं, इसलिए विनती कर रहा हूं सर। मैं जो कहना चाहता हूं एक बात सुन लीजिए ना प्लीज। ठीक है, पैंतालीस से आया हूं मैं सर। मैं जानता था अभिजीत जॉन हैरिस के होटल वाला रास्ता चेक करने गया था, वहां पे होने वाले हमले के बारे में आगाह करने में गया था उनके पास। सर आप सब सब 24 घंटे में मरने वाले हैं सर। क्या? मैं जिंदा बचूंगा, यानी कि मैं और तुम एक ही हैं अभिजीत।
जिंदगी भर सिगिल के साथ जी रहा हूं मैं कि मैं अपने लोगों को बचा नहीं पाया। लेकिन तुम बचा सकते हो। 20 साल पहले जो हुआ था तुम उसको रोक सकते हो। बचा लो सबको, कम से कम इस गिल्ड से तो बच जाओगे तुम, जो मेरी जान लिए जा रहा है। एक मिनट, आपका झूठ अभी साबित कर देते हैं। अपने उंगलियों को निशान दीजिए, अभिजीत के साथ मैच करके देखते हैं। उंगलियों का निशान चाहिए, ये लो। ये वही आग थी जिसमें उसने आप सब चुलस चुलस के मर गए। किसी को बचा नहीं पाया मैं। क्या मैं भी मरने वाला हूं? सब, तुम सब लोग। सर इसका डीएनए टेस्ट करते हैं। अभिजीत तुम्हें पता है डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट एक दिन में नहीं आती, और इन सब के पास सिर्फ एक दिन है जिंदा रहने के लिए। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो तुम। अभिजीत, इससे ऐसा सवाल पूछो जिसका जवाब सिर्फ तुम जानते हो। सब। तो अभिजीत जी, मुझे उस लड़के का नाम बताओ जो स्कूल में सेकंड क्लास में मेरे साथ बैठता था। क्या हुआ, सवाल सुन के बोलती बंद होगी? अच्छे तरीके से जानते हो तुम याददाश्त का प्रॉब्लम है हमें। 2018 में भले ही तुम्हें उस लड़के का नाम याद हो, 2045 में नहीं याद रहेगा। लेकिन सीआईडी का एक केस याद है मुझे सर। वो रॉकी वाला केस, वो बैरूबिया जो अभिजीत की शक्ल बन के हीरो में आया था, याद है? गोली चला दी थी तुम्हारे ऊपर। सीआईडी की जितनी भी पुरानी केसेस है पब्लिक रिकॉर्ड्स में है, जो भी चाहे वो पढ़ सकता है, तैयारी कर सकता है, होमवर्क करके आ सकता है। हाँ सर, सारे केसेस हैं पब्लिक रिकॉर्ड में सिवाय एक केस के जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है सर, ऋषभ मर्डर केस, जो आप सबका आखिरी केस है। अभी थोड़ी देर में वो भी यहां आएगी और बोलेगी ऋषभ के अकाउंट में कोई गड़बड़ कर रहा है। सर, सर ये देखिए, सब ऋषभ के अकाउंट में कुछ गड़बड़ है सर। घोटाला कर रहा था कोई वहां पे। आप कौन? एक्स सीआईडी ऑफिसर अभिजीत, भविष्य से आया हूं मैं। पूर्वी, गफला किसने किया ऋषभ के अकाउंट में? सर वो ऋषभ का भाई है ऋषि। हाँ सर, ऋषि। व्हाट? मैं ये सब इसलिए जानता हूं क्योंकि 27 साल पहले मैं ये केस सॉल्व कर चुका हूं। ऋषभ की मौत की सुपारी दी गई थी, अब जिस शार्प शूटर को सुपारी दी गई थी वो इस वक्त मलाड रेलवे स्टेशन के पास
एक लॉज में छुप के बैठा हुआ है। हैंड्स अप। चाहिए तो डॉक्टर सालुंके से चेक करा के देख लीजिए, ऋषभ को जो गोली लगी थी वो उसी गन से चली थी, स्नाइपर की गन से। क्या बॉस, ये वही गन है जिस गन से ऋषभ को गोली मारी गई। बहुत लंबी प्लानिंग की गई, मजरिम ने शार्प शूटर को तो पैसे दिए ही। लोगों की मदद ली जिन्होंने मेंटेनेंस वर्कर बन के ऋषभ की कांच की खिड़की को एक्रिलिक शीट से बदल दिया। अगली रात शार्प शूटर की गोली चलाने के बाद आधे घंटे तक कोई नहीं आया ऋषभ के कैबिन में। उसी दौरान ये तीन लोग फिर से आए, टूटी हुई एक्रिलिक शीट को कांच से बदल दिया। ये खून किसी और ने नहीं, खुद ऋषभ के भाई ने करवाया था। जब वो वहां गया तो बचा खुचा एक्रेलिक का टुकड़ा उसने वहां से हटा दिया। ऋषभ जान गया था कि कोई उसकी कंपनी के अकाउंट में फ्रॉड कर रहा है। ₹25 लाख दिए थे मुझे ऋषभ ने ऋषभ पे गोली चलाने के लिए। ये क्या है सर, मुझे यहां पे लेके आए, मैं भला अपने भाई को क्यों मरवाऊंगा? ₹25 लाख दिए थे ना तुमने ऋषभ को मारने के लिए, इस स्नाइपर को। अब 25 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे सड़ते बैठना, फांसी तो तुम्हें होकर ही रहेगी। सर, सर वो सच कह रहे हैं, वो अभिजीत सर ही है, फ्यूचर से आए। पंकज, सालुंके को कहो पॉलीग्राफ टेस्ट की तैयारी करें। और आई गैंग के लोगों ने हर चीज पे कब्जा कर रखा है, पूरी दुनिया के मालिक बन बैठे हैं वो लोग। आई गैंग? हाँ सर, इसीलिए मैं वापस आया हूं ताकि आप लोग आई गैंग को ऐसा करने से रोक सके। सर, बच्चे बूढ़े औरतें सबकी चीख गूंजती है मेरे कानों में, कुछ करना होगा सर, उनको रोकिए प्लीज। मगर बरबोसा तो नहीं पूर्वी, भूल गई तुम, और उसके बाद तीन बरबोसा के फोन आए थे उस वक्त। गए उठाइए, वीडियो कॉल है आपके लिए। हेलो एसीपी बरबोसा, आई होप ये झटका तुम बर्दाश्त कर पाओगे, पर फिलहाल इस झटके को बर्दाश्त करने की हिम्मत ऊपर वाला तुम्हें दे। आई गैंग एक ऐसा हमला प्लान कर रहा है जिससे इस पूरे देश की कानून व्यवस्था ठप हो जाएगी, और उसकी शुरुआत इसी शहर से होगी। सब लोग हर पुलिस स्टेशन में, क्राइम ब्रांच, कोर्ट,
यहां तक कि सीआईडी ब्यूरो में बॉम्ब प्लांट करेंगे और उस ब्लास्ट में सब लोग मारे जाएंगे सिवाय मेरे। हाँ तो उसके बाद कई सालों तक तुम कोमा में रहोगे और जब होश आएगा बहुत देर हो चुकी होगी, पूरी दुनिया बदल चुकी होगी और तुम्हारा जमीर तुम्हें धिक्कारेगा कि तुम अपने साथियों को बचा नहीं सके। सर यही है मेरे हर रोज हर पल की कहानी। हम वो टाइम मशीन देखना चाहते हैं जिससे तुम यहां आ गए। सब टाइम मशीन जैसी कोई चीज नहीं होती सर। हाँ मैग्नेटिक पोर्टल्स होते हैं जो जगह जगह लगे हुए हैं, करीब 8 मिनट के लिए खुलते हैं, उसमें अंदर जाके अतीत में जाया जा सकता है। अच्छा तो चलो हम वो मैग्नेटिक पोर्टल भी देखेंगे जिससे तुम 27 साल यहाँ पीछे आ गए। मलाड में एक सुपरमार्केट है, राज राज सुपरमार्केट, वहीं से आया हूं मैं 8 दिन पहले। ठीक है हम उस जगह जाकर चेक करेंगे। तरीका डीएनए रिपोर्ट आएगा तो मुझे बता देना। यस सर। चलो के बस ये गन है भूल गया, दिमाग को जंग नहीं लगा। अगर इसने कुछ नाटक किया भागने की कोशिश की उड़ा देना। दिन पुराना वाला ही फुटेज है ना? जी सर हम तो 1 महीने तक का फुटेज संभाल के रखते हैं। फिर से रिवाइंड करना सर। ये क्या सर, ये आदमी दीवार से बाहर कैसे आ रहा है? क्यों सर उनके साथ अब तो यकीन आया मुझ पर, कहीं मैं कभी कम नहीं कर रखा है मैंने। ये मेरा ही चेहरा है और मैं ही असली अभिजीत हूँ। ये जले हुए का निशान जो है ये तो असली है। ये आपकी शक करने की अदा और केस को सुलझाने का जुनून बहुत याद आता था मुझे सर। इतना अच्छा टाइम बिताया था हमने फॉरेंसिक लैब में, किया लड़ाई झगड़े, रिवाइंड का बटन दबा के कुछ अच्छे पल चुरा लिए मैंने सर। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को दोबारा देख के। चल एक बात बताओ, ये 2045 में तो साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली होगी, सब कुछ बदल गया होगा ना? बदल सकता था सर, अच्छे के लिए बदल सकता था, लेकिन इंसानियत जैसी कोई चीज बची नहीं 2045 में। ना कोर्ट है ना कानून, सब कुछ आई गैंग की मर्जी पे चलता है। मतलब अच्छा सच्चा कोई इंसान बचा ही नहीं वहां पे? नहीं सर ऐसा नहीं है, अच्छे काम होते हैं कुछ, जैसे ये साइंस के इन्वेंशन वगैरह, मगर छुप छुपा के होते हैं। ये टाइम ट्रेवल, जैसे मैं आया ये भी तो 2045 की खोज है। महान वैज्ञानिक डॉक्टर मैक्सी टैंग, कमाल के वैज्ञानिक है सर। ऐसे ऐसे रोबोट बनाए उन्होंने कि इंसानों के ज्यादातर काम अब रोबोट करते हैं सर। अच्छा क्या बात कर रहे हो यार, मतलब सब कुछ उस रोबोट के हाथ में दे दिया? हाँ फॉरेंसिक भी रोबोट के हाथ में दे दिया क्या? अरे सर कमाल के वैज्ञानिक है डॉक्टर मैक्सी टैंग, आपको तो उनसे मिलना चाहिए, बहुत मजा आएगा सर आपको। मिलना चाहिए मतलब 2045 में मैं मिला नहीं उनसे। अच्छा यार एक बात बताओ, 2045 तक
मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं? सब हाँ, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो आदमी सच बोल रहा है। वो मैं ही हूं सर। इमोशनल मत बनो, वो हमें इमोशनल करना चाहता है ताकि हम कमजोर हो जाएं। देखो अभिजीत, वो ये सब इसलिए कर रहा है ताकि उसका जो भी प्लान है हमें दिख न सके। मगर अगर उसकी बात सच निकली तो सब मारे गए तो? और जॉन हैरिस मारा गया तो? हाँ? तो क्या? मुझे लगता है ये जॉन हैरिस को मारने के लिए सारा प्लान कर रहा है वो। हम उस 2045 वाले अभिजीत की बातों में कहानियों में उलझ जाएं और वो वहां जॉन हैरिस को खत्म करेगा, समझे? और सर वो ऋषभ वाला केस, वो उसे कैसे पता था? हाँ सर, स्नाइपर का उसी मोटल में मिलना और ऋषभ के ऑफिस की खिड़की का कांच बदलना, वो सब उसे कैसे पता? ये सब तो सिर्फ उसे ही मालूम है सर, हमें से किसी को कुछ नहीं पता। बोलो बोलो, कुछ बताना है? बोल क्यों नहीं रहे यार, जवाब तो दो। 2045 तक मैं डॉक्टर सालू के जिंदा रहूंगा कि नहीं? तो रहने दीजिए सर, क्यों कड़वी बातें करके नाखून जला रहे हैं? अभी मैं आ गया हूं ना सर, अब सब ठीक कर दूंगा मैं, सब। मतलब मैं बंक है? हाँ। क्या बस कंफर्म हुआ ये जो बोल रहा था वो सही निकला कि नहीं? सर हमने उस जगह की सीसीटीवी फुटेज चेक की है, ये आदमी सच बोल रहा है। अरे यार, अब तो मुझे अभिजीत बोल सकते हो, कब से ये आदमी सुन के कान पक्के में। परसों से तरस गया था मैं अपने दोस्त के लिए, इस बार कुछ नहीं होने दूंगा मैं, कुछ नहीं होने दूंगा। अब तो गले मिले यार। सर अभी आपको मेरे पे यकीन नहीं, ठीक है, पर टाइम बहुत कम है हमारे पास सर। इससे पहले कि आए गैंग वाले लोग हमले करें, हमें उन्हें रोकना होगा। मगर कैसे? वो फैक्ट्री में उन्होंने बॉम्ब बना के रखे हुए हैं, एक बार बॉम्ब बाहर निकल गए तो लाखों लोग मरेंगे। सर प्लीज उनको रोकिए सर, मैं आपके कब्जे में हूं ना, मैं तो यही हूं, आप लोग जाके देखो ना। यार अभिजीत बोलो ना, बस मेरी बात पे यकीन करिए प्लीज सर, प्लीज। कहां पे फैक्ट्री? सर अंदर मूवमेंट्स दिख रही है और बॉक्सेस में हीट रेडिएट हो रही है सर। मतलब उन बॉक्सेस में आरडीएक्स है? सब कहां चले गए? खिलौने वाली गाड़ी, उसके ऊपर मोमबत्ती। अभिजीत,
एक एक बॉक्स चेक करना पड़ेगा, एक एक बॉक्स चेक करते। बहुत बड़ा धोखा हुआ है हमारे साथ अभिजीत। 2045 वाले अभिजीत ने बहुत बड़ा धोखा दिया है। इन सारे बॉक्सेस में जलती हुई मोमबत्तियां थी, उनकी हीट की वजह से हमें थर्मल इमेजेस मिल रहे थे। बॉक्सेस में कोई आरडीएक्स नहीं था, आरडीएक्स नहीं था किसी भी बॉक्स में। एसीपी प्रद्युमन, मिस्टर हैरिस, मुझे चिंता है कि तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। What? क्या करेंगे? अपना इवेंट कैंसिल कर दीजिए। वो ना ही हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। तो एक ही रास्ता है, अपने टीम को आप अलग भेज दीजिए और मैं आपको लेने आ रहा हूँ ताकि मैं आपकी पूरी सिक्योरिटी का ध्यान रख सकूं। ठीक है। हेलो मिस्टर जॉन हैरिस, एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी। नाइस टू मीट यू। सेम हियर, विद माय टीम दया। हाय पूर्वी, आपकी बहादुरी की लंदन तक चर्चा है। थैंक यू। आपने चर्चा तो बहुत सुनी होगी, अब आगे आगे देखिए और होता है क्या। कम ऑन जॉन, कम विद अस। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.